कई जगह मैं देख रहा हूँ बुद्धिज्म भी पाखंड की तरफ जा रहा है, और अभी है ना मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही है दलाई लामा जी की, कि उन्होंने ये बोला है जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो प्रार्थनाओं पे कम भरोसा करें, साइंस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें कोरोना से बचने के लिए। यही कारण है कि मुझे बुद्धिज़्म बड़ा पसंद है, मतलब जो रियलिटी है ना उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और दलाई लामा ने ये शब्द बोले हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा साहब ने भी एक बार यही बात बोली थी, बताऊँ। बाबा साहब ने बुद्धा इस धम्मा के प्रीफेस में ये लिखा हुआ है, एक लाइन में पढ़ने के सुनाने वाला हूँ आपको। महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका के संपादक बाबा साहब बोल रहे हैं ये। महाबोधि सोसाइटी के पत्रिका के संपादक ने मुझे सन 1959 में वैशाख विशेषांक के लिए एक अग्रलेख लिखने के लिए आग्रह किया था। इस अग्रलेख में बाबा साहब ने ये बोला कि मैंने ये दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बनने, समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धर्म बुद्ध का धर्म ही हो सकता है, और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह जोर दिया था कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने वाले योग यदि कोई धर्म है तो वो बुद्ध का धर्म ही है। और यही कारण है मैं बाबा साहब बुद्ध को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो साइंटिफिक हैं और मुझे साइंस बहुत प्यारी है। इसलिए मैं किसी से नहीं बोलता कि अंबेडकरवादी बनो या बुद्धिस्ट बनो। मुझे पता है जो लोग भी साइंस को फॉलो करते हैं ना, वो आज नहीं तो कल बाबा साहब को जरूर मानेंगे और बुद्धिस्ट जरूर बनेंगे। करोना धो रहे हो? वॉशिंग मशीन अभी तक सही नहीं हुई, देखो अभी भी लगी है। बॉडी बना रही है, लॉकडाउन का पालन कर रही है। दो दिन से मैं देख रहा हूँ YouTube जो है ना मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब कि पहले ब्लॉग डाला वो 16 मिनट तक पब्लिश ही नहीं हुआ, मुझे दिखा रहा है पब्लिश हो गया लेकिन वो प्राइवेट था। और कल वीडियो जो है ना आधे घंटे तक वो प्रोसेसिंग दिखा रहा, जिसको मुश्किल से 3-4 मिनट लगते थे, आधे घंटे तक प्रोसेसिंग जीरो दिखाता रहा। लेकिन मैं अभी ऐसा हूँ कि मैं 2 मिनट में ईमेल मारता हूँ यूट्यूब को, कुछ भी प्रॉब्लम होती सीधा यूट्यूब USA को ईमेल डाल देता हूँ, और वहाँ से रिप्लाई भी आ गया। और उन्होंने बोला है कि भाई अभी पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, इतना स्टाफ नहीं है हमारे पास जो भी समस्या को सॉर्ट आउट कर सके, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है यूट्यूब, माफ़ कर दिया तुमको, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो कब से खड़ा हूँ यहीं पे, यही 60 फुट पे। सही बताओ। अरे हाँ 20 मिनट हो गए। 60 फुट से सीधे आगे आया, चौराहे पे मिलना है। इतनी देर इंतजार किया, मैं भी तो इंतजार कराऊंगा थोड़ी देर, आत्महत्या कर लूंगा यहाँ। अरे वो बोर्ड बनवाने थे, आज से 5 बोर्ड जा रहे हैं। दिखवा दो तो आज मौका मिला है। 2 जगह टटोल लिया मैंने, दोनों जगह आज ही चलना है। चलो फिर। ये फुसफुस मैंने दिया है इसको, था तेरे पास कैसे आ गया? हम बदलते रहते। हाँ कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना है भाई, आराम से आराम से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो अभी कुछ चीजें अभी कुछ चीजें पसंद आ गई हैं, बाकी कल और देखते हैं। ये जो प्लान है वो थोड़ा सीक्रेट है, इसलिए हम बता नहीं रहे इसके बारे में अभी। ये देख क्या लिखा है, क्रिकेट अपडेट। तीस मई को AC आ रहा है, कंफर्म हो गया। SMS आया फ्लिपकार्ट से, गर्मी हो रही है भयंकर। जो बिजनेस वाला काम था वो भी हो गया, साथ में हम लोग लेके आए हैं अपने लिए मोबाइल की केबल वगैरह। दिखाना केबल कहाँ है, तो वही पहले ये करो। नहीं लेकिन यहाँ मार्केट देख कैसा लग रहा था, जैसे नॉर्मली जैसे दिन में आते हैं वैसे ही था। रोज खुलता है केवल, सारी केवल और वो भी थोड़ा
देखो तो ये सी टाइप केबल और कुछ चार्जर थे जो इन महीने भर में खराब हो गए, तो हम ले नहीं पा रहे थे, तो आज सारी दुकानें खुली थी। आज कॉर्पस फिर खुश होगी, दो चीजें देखते हैं क्या बोलती है। आज काम ज्यादा किया, रिकॉर्ड कम किया। चलो ठीक है, बाय बाय। चल ठीक है, बाय बाय। आज थक गया बहुत। हाँ आज टाइम बहुत हो गया, जल्दी 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 जा, जल्दी जा, जल्दी जा। अच्छा, ये देख ले कॉर्पस, मैं तेरे लिए इतना सारा लाया था, याद है ये ले जा रहा है। यही लेके आया था, मैं नहीं लाया कुछ। कॉर्पस की माँ फेवरेट चीज है आज, देखते हैं आज का रिएक्शन क्या है। कॉर्पस बीच में पूछी वो खराब कर दी वहां। देखा मेरी बेटी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। हाँ पूरा खराब कर दिया रिएक्शन। हट हट, खोल दो जरा सूखा खाने की। किसने दिया आपको ये? आप लाए नहीं हो? मैं तो लाया हूं। अरे वाओ वाओ, फाल सेब लग रहे इसमें तो। हाँ तेरी बेटी बीच में तेरी आज का मजा पूरा किरकिरा कर दिया मेरी बेटी ने। मेरे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, यदि ऐसा होता तो मेरे पैरों में दर्द और गले में खराश नहीं होती। हम सब मनुष्य के रूप में एक समान हैं तथा भय आशा और अनिश्चितताओं का समान अनुभव करते हैं। ये संदेश तिब्बतियों के धर्मगुरु और वैश्विक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने दिया है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व भर में लोग जितना संभव हो सके दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करें। बकौल दलाई लामा, प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, संकट की इस घड़ी में हमें चुनौतियों से भी पार पाना है। धर्म गुरु का कहना है कि कभी कभी मित्र मुझसे कहते हैं कि जादुई शक्तियों का प्रयोग कर जगत की समस्याओं को दूर कीजिए। धर्मगुरु का कहना है कि यदि समस्या का समाधान है तो हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि नहीं है तो हमें उसके बारे में सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कई जगह मैं देख रहा हूँ बुद्धिज्म भी पाखंड की तरफ जा रहा है, और दलाई लामा जी की तरफ से ये मैसेज देना बहुत ही सही है समय यार, कि अप दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, साइंटिफिक बनो, तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना तो पाखंड से तो कुछ नहीं होने वाला। आज के लिए इतना ही, कीप सपोर्टिंग। और भाई आवाज़ इंडिया वाले, प्लीज़ स्ट्राइक मत दे देना मुझे, मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, बताना ज़रूरी था। ठीक है, कीप सपोर्टिंग।